जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वाले सलाम फैसल भाई, क्या हाल है? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा अच्छा फैसल भाई, मैं आपको इल्म एक चीज़ लाना चाह रहा हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ मेरा एक रिकॉर्डिंग हुई है, बल्कि एक से ज़्यादा हुई है, जिसमें ये मसला बार बार पेश हो रहा है। और ये एक ऐसा मसला है जो इंजीनियर साहब बड़ी शिद्दत के साथ बयान करते हैं। और अभी रिसेंटली भी जो बोल टीवी पर जो कुछ प्रोग्राम्स हुए हैं ना, डॉक्टर आमिर डाकर साहब ने जो कराए हैं, जिसमें मौलाना कोकब नूरानी उकाडवी साहब पेश हुए हैं, और अपना ये मुफ्ती नीब कुरैशी साहब आए हैं, और अहले हदीसों की तरफ से कारी खलील रहमान जावेद थे, शिया की तरफ से मिसमी साहब थे, और देवबंद की तरफ से जो स्कॉलर थे उनका मिर्जा नसीर का नाम निकल रहा है। तो इंटरचेंज हो गया, मुख्तलिफ सवाल वो स्कॉलर भी आते रहते थे। उसमें ये जो मसाइल हुए हैं ना, यानी कि उसमें कुरैशी साहब ने काफ़ी चढ़ाई की है, और काफ़ी हद तक उन्होंने अहले हदीसों को और अहले हदीसों को पे तो खैर ज़्यादा चढ़ाई की है, बल्कि एक दो मसाइल में तो तमाम मकाद फिक्र ने अहले हदीस को ज़्यादा चढ़ाई की है। और डॉक्टर आमिर साहब ने भी ना मतलब वाज तसुब का सबूत दिया है अहले हदीस के खिलाफ, मतलब वाज वो नज़र आ रहा है, वो सही गलत की बात नहीं मैं करता, यानी वो वाज नज़र आ रहा है था कि अहले हदीस के तो उन्होंने जो है ना मतलब वो गाड़ी भी निकाल दी कोकम दानी साहब ने तो ना। अच्छा, तो अब उसमें यह है कि इंजीनियर साहब ने अहले हदीस का तो ज़रा दिफा नहीं किया उस तरह ऐसा, जो उन्होंने कहा जी मेरा अहले हदीसों से भी कोई लेना देना नहीं है, मैं तो किसी फिरके का बकायदा पैरोकार नहीं हूँ। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जी मैं अब जो है ना बरेलवी और देवबंदी उलमा, हालांकि देवबंद ने तो वहाँ पे ऐसा कोई की नहीं थी, उन पर तो खुद बल्कि चढ़ाई हुई थी, तो लेकिन उन्होंने कहा जी कि मैं इन दोनों को दूंगा ऐसी फकी के जो जिसका ये जवाब नहीं दे सकते, या देंगे भी तो फिर इनको मुश्किल होगी। ठीक है, वो अब ये इंजीनियर साहब के अब उस पर देख ले बेशक, उस पर चैनल पे एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं अब याद उन्होंने क्या किया या मैंने क्या पूछे, वो सर उसमें दो इबारात बल्कि दो नहीं तीन इबारात हैं जो उन्होंने कहा जी कि ये बुनियादी तौर पर ना जो ब्लैकमेलिंग इमोशनल की जाती है ना कि जी ये सारे बाकी तो गुस्ताख हैं, ठीक है, तो हम ही आशिक हैं और हम ही बाअदब हैं। उन्होंने कहा जी जो इबारत है ना ये वाली जो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूल अल्लाह, इसके इन्होंने वाला दिया। दूसरी इबारत उन्होंने पेश की कि हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में नाउज़ बिल्लाह ये बात मंसूब है कि उन्होंने ख्वाब में देखा कि रसूल पाक सल्लम की कब्र मुबारक से मैं हड्डियां नाउज़ बिल्लाह जमा कर रहा हूँ, एक ये इबारत पेश की। और फिर साथ ही उन्होंने कहा जी देवबंदी हज़रात भी को ज्यादा खुश ना हो क्योंकि उनके यहाँ भी ऐसी रवायात मिल जाती हैं, और उन्होंने ला इलाहा चिश्ती रसूल अपना ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूल अल्लाह वाली बात भी पेश कर दी। सही है। अच्छा, इस पे उन्होंने कहा जी कि ये लोग इसकी जो है ना मतलब मुख्तलिफ तावीलें करते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी कि क्या ये बात अवामुन नास में ये बात कह सकते हैं, ये बात कि यार हमारे बुजुर्गों ने, वो कहते हैं जी अगर ये बात कहते हैं ना कि जी ये किताबें बदल गई थी, वो कहते हैं ठीक है मैं भी ये बात एक्सेप्ट करने को तैयार हूँ, ये कुतब ही चेंज हो गई है, ये उनकी कुतब नहीं। कहते हैं जी फिर दो बातें हैं, वो इंजीनियर साहब कहते हैं जी फिर एक बात तो ये है कि इन बुजुर्गों का वजूद साबित कोई नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज वो कहते हैं जी फिर ये है कि अगर ये किताबें बदल गई हैं ना, तो फिर मैं ये सवाल करूंगा कि देवबंद और बरेली दोनों के जो मुस्तरद उलमा है वो इनको क्यों छपवा रहे हैं, और ये जो इनके बकायदा जो इनके ऑफिशियल वो हैं यानी प्रिंटिंग प्रेस, वहां से ये क्यों छप छप के आ रही हैं। सही है। और तीसरी बात उन्होंने की, वो कहते हैं कि अगर कोई ये कहता है कि ये बातें जो है ठीक है, हाँ। और तीसरी एक और बात भी उन्होंने की, ये तो खैर सबसे खतरनाक बात उन्होंने जो की है ना, उन्होंने कही जी कि हजरत जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की जो जोजा थी उनसे निकाह वाले मामले में, ये उन्होंने किनसे मंसूब किया है, मेरे ख्याल से कशफुल मजूब से मंसूब किया है कि शुकर और साहब वाले मसले में ना, तो वो कहते हैं जी कि उसमें उन्होंने एग्जांपल ये दी है कि देखें जी रसूल पाक सल्लम की जो है नजर मुबारक भी पड़ गई थी, तो वो हजरत जैद को उनसे जो है यानी कि उनकी रगबत उनकी तरफ खत्म होगी तो बाद में निकाह हो गया। वो कहते हैं जी अच्छा इसमें वो कहते हैं जी कि बाद लोगों ने ये जवाब दिया कि देखें कोई ऐसी बात नहीं है, ये है वो है, तो इमाम तबरी ने भी तो लिखी है, फलाने भी तो लिखी है, वो कहते हैं जी उन्होंने लिखी है तो उन्होंने संदे पेश किए, उन्होंने इससे नतीजे नहीं निकाले। वो कहते हैं ये जो अली अजवेरी है ना रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने इससे नतीजा निकाला हुआ है कि देखो शुक्र और साहब ये होता है जैसे ऐसे हो गया था, तो वो कहते हैं जी ये कैसे गुस्ताखी पे मामूल नहीं किया जाए। जवाब दें सर, मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ, बजाय इसके ऊपर वो जो लफ्ज इस्तेमाल किया पक्की, और वो कहते हैं जी मैं अलीस में नहीं, तो अहले हदीस हजरात तो खुद भी ये कहते हैं कि हम फिरका नहीं है, हम तो किसी मसलक के पाबंद नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इंजीनियर साहब कहते हैं कि जी मैं भी किसी फिरके का पाबंद नहीं हूँ, तो इनकी ये बात तो अहले हदीस लोगों के साथ मिलती है ना जी, बिल्कुल, मतलब उन्हीं के नुमाइंदे हैं।
अगर उनको फकी दी तो उनके कौन से वो हैं, चाहने वाले हैं कि जी कहते हैं कि जी अब हम फकी देंगे इनको। इसका मतलब है उनको तकलीफ दर्द हुई इस बात की कि जी अहले हदीस से क्यों रगड़ा जा रहा है। अच्छा बात यह है कि जी जिस बंदे की बात सही है वो सही है, चाहे वो बरेलवियों में से हो चाहे अहले हदीस में से हो। ठीक है, मैं जाती तौर पे इसका कायल नहीं हूँ कि जी आप सही बात ठीक है, कहेंगे, ये बात थोड़ी गलत सी है। आवाज ऊंची रखे ना ताकि ये क्लियर आवाज आपकी आए। मैंने ये कहा कि जी अगर कोई भी बात सही करे, चाहे वो एल एडीज हो चाहे बरेलवी हो देवबंदी हो, बात सही होती है। बिल्कुल ठीक है, ये गलत है कि जी नहीं, एल एडीज कह रहा तो बात गलत होगी या बरेलवी कह रहा तो बात ये गलत ही होगी। ये तो बात ठीक है हर आपकी। बात, हर बात को मेयार के ऊपर और तहकीक के ऊपर, दलाइल के दलाइल, ऊपर, दलाइल पे देखा जाएगा, दलाइल पे। दलाइल के ऊपर देखा जाएगा। अच्छा बात यह है कि जब भी बहस होती है उससे पहले असूल मुकर्रर किए जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर इनका बड़ा एतराज है, बड़ा एतराज है। आप मुझे बताएं कि इनका एतराज किसके ऊपर है, ये जिनका कॉल है उन पे एतराज है, ठीक है जी, या जो नकल कर रहे हैं उन पे एतराज है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखे अगर कुफर आप के इजाजत दें कुफर मैं का बोलूँ मतलब। जी जी ताकि आपकी और मेरी वो दोनों की बात टकराए ना। जी वो सर ऐसे है, इसमें वो ये जवाब देते हैं, वो कहते हैं जी अगर तो आप ये इनको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, और वो कहते हैं मेरे नजदीक भी ज्यादा चांस यही है कि ये किताबें साबित ही कोई नहीं, तो नहीं, कहते हैं फिर, बेनिफिट डाउट कहते ऑफ हैं फिर इन डिफरेंट बात शख्सियात का वजूद डाउटफुल हो जाएगा क्योंकि ये किताबें इनकी वाहिद पहचान है। देखिए, किताबों से शख्सियात की पहचान कहाँ होती है। बहुत सारे मुहद्दिसीन ऐसे हैं जिनने एक किताब ही नहीं लिखी। ये कौन सी बात कर रहे हैं कि मसलन मसदर के हाकिम में 1000 हाथ 400 500 से ऊपर हदीसें जो है वो मौजू है, ठीक है जी। सुनन इब्ने माजह के ऊपर इतराज है कि इसमें पता नहीं 12-13 या 22-23 में बताया गया कि ये हदीसें मौजू है। अच्छा तो बाज चीजें उसमें से गलत साबित हो जाना या नकल ना होना, ये तो किताब आम बात है। तारीफ ठीक है, किसे कहते हैं, किताबों में गड़बड़ किसे कहते हैं, कातिब से जो गलतियां होती हैं या नासिक से गलतियां होती हैं, ये क्या चीज होती है। ठीक ये है, बचकाना एतराज, ये अपने जो लोग होते हैं उनको मुतमईन करने के लिए तो हो सकते हैं, इल्मी मैदान में इसकी कोई हैसियत नहीं चलिए है। आपकी बात आगे आगे फरमाएं। अब बात यह है कि जी इनका एतराज जो है चिश्ती रसूलुल्लाह किसके ऊपर है, ये इनका जिसका एतराज जी कॉल ये कहते हैं कॉल जी या कॉल तो जो है उन पे है। जी देखिए या तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पर कुफर का फतवा आएगा। अब आप ये मुझे नहीं, मैं हाँ अब थोड़ा वादे कर दूं, इंजीनियर साहब की बातों से जो मौकफ निकलता है ना, वो कहते हैं जी कि पहली चीज तो ये है कि मैं किसी शख्स पे कुफर के फतवे नहीं लगाता। वो तो फिर कहते हैं किसकी मैं सिर्फ इतराज कर कहूंगा रहे सिर्फ कि जनाब ये बात है कुफरिया चाहे कोई हैं। भी नहीं करे, नहीं 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 देखिए इस तरह नहीं अगर ये होता। किसी से भी किताब पहले है तो तो मैं कहूंगा जी बात कुफरिया है। अभी बात ये ना कि पहले तो आप सिलसिलावार चले ना, ठीक जिस है, जिस साहिब से या जिस वली से ये कलमा सादिर हुआ है, पहले आप ये तो साबित करेंगे ना कुफर के लिए। हम ये कहते हैं कि ये जो आजकल कुफर और शिर्क का जो बाजार गर्म हुआ है वो इसी वजह से हुआ है। लताड़ा तो बरेलियों को जाता है कि हर बंदे को शिर्क और काफिर करार देते हैं, लेकिन खास बंदों की तरफ लोगों की तवज्जो नहीं होती कि हर बंदे को मुशरिक और बिदती कहते हैं, हर दूसरे बंदे को मुशरिक और बिदती कहती है। ये रवैया खत्म होना चाहिए। असूल के तहत बात करें और ये मुझे बताएं किसी शख्स के कुफर के लिए क्या क्या लवाजमात होते हैं। सिर्फ कलमा का निकल जाना ये उसके कुफर के ऊपर दलालत नहीं करते, ये लजूम कुफर, इल्तिजाम कुफर, पहले पाया सबूत तक तो पहुंचाएं। अच्छा एक बात यह है कि उनके तक सबूत तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती। ठीक है, मुझे बताएं बुखारी शरीफ में रिवायत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक बंदा कहता है अल्लाह को कि अल्लाह अगर तू होता नीचे तो मैं तेरे बालों में कंघी फेरता, तेरे जुए निकालता, तेरे बालों में तेल लगाता। ये कलमा कुफर है कि नहीं है। खुद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क्या कुफरिया कलमात निकाल रहे। जी जी बिल्कुल, तो कुफरिया कलमात का निकलना बज़ाहिरन कुफरिया इस्लाम के मुताबिक ना होना ये और चीज है। और फिर अल्लाह ने क्या हदीस से कुछ की क्या आई क्या मूसा को छोड़ दे, ये मेरा और उसका मामला है। ठीक है, तो बात ये है कि हर चीज जो बज़ाहिरन शरीयत से टकराव करती है ये आपके नजदीक कुफर है, उसके ऊपर हम असूल के तहत जांचेंगे कि ठीक वाकई है, ये इस उस शख्स के ऊपर कुफर का फतवा लाजिम आएगा कि नहीं आएगा। ठीक होगी बात आपकी। शतिहाते सूफिया के बारे में अहले सुन्ना का बशमूल आला हजरत तो जितने भी हैं, जितने भी हैं, सब ने ये कहा है कि ये बजायरन कलमात शरीयत के खिलाफ है। लेकिन हम फतवा क्यों नहीं देते, दो वजूहात है। एक तो ये सूफिया है, साहिब शता है, ठीक है जी। तो अच्छा जो साहिब शता होता है उसके ऊपर फतवा नहीं लगता, ये शता अलामा बता दे इस्लाम क्या है। चीज है, ये तो मुझे खुद भी नहीं पता, शतिहात, बताओ तुम, मुझे नहीं पता। शतिहात ये है कि एक खास हालत में, हालत में शुक्र में या अल्लाह ताला के जो इबादत में खास वादुल वजूद के अंदर या जो भी है उसकी आप मनाजिल तय करते जाए सूफिया की, एक खास हालत में उसके मुंह से कोई ऐसे कलमात निकल आए
उन कलमात को तो शरीयत के खिलाफ या कुफरिया कहा जा सकता है, लेकिन उस शख्स जिस शख्स के मुंह से ये कलमे निकल रहे हैं उसके ऊपर कुफर का फतवा नहीं लग सकता, क्योंकि सुन्नत भी दाऊद की और दीगर अहदीस के ऊपर है कि साहब मातो या जिसके मुंह से शता निकल रही है, ये इब्न तैमिया ने भी ये बात की है, ये इब्न कय्यम ने भी बात की है, ये अलामा ज़ाहबी ने भी बात की। अच्छा, कि जो साहब शता है उसके ऊपर फतवा नहीं लग सकता। अच्छा, या तो किसी भी आलिम का ये हवाला दे रहे हमारे आले सुन्नत में से, बरेलियों में से, कि ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह है ये कहना जायज है और हर बंदे को कहना चाहिए या इस तरीके से कलमात कहने चाहिए। हम तो सब ये कहते हैं कि जी ये कलमात शरीयत के खिलाफ है, ये कलमात सही नहीं है। अब बात आती है कि जी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह पे कुफर का फतवा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब बात यह है कि फतवा नहीं लगेगा, एक तो बात यह है कि ये किताबें वो उनकी सनादी हैसियत नहीं है जो दीगर लोगों की होती है, ये खुद उनकी हयात से 200 साल बाद 300 साल बाद किताबें लिखी है। आप फवाइद सालिकीन उठा के देख लें, आप जितनी किताबों में ये जो कलमात आए हुए हैं आप उनकी तारीख तस्नीफ देख लें। अच्छा जी, देखिये जब तक हदीस की किताब साहिब किताब से लेकर कातिब तक उसकी सनद मुत्तसिल ना हो तो वो पूरी की पूरी किताब नहीं मानी जाती। ठीक हो गया, ये जुबैर ज़ई ने भी असूल लिखा है, अलिंसिनो ने लिखा है, शाहदुल कसरी ने भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक सूफी की किताब अगर वो उनसे मंसूब भी है तो वो उनके हयात के 350 साल बाद का नुस्खा वो मौजूद है, और यही बात कश्फुल माजूब के बारे में है। फिर वो कहते हैं, फिर आपको कैसे पता है कि फलां शख्स नेक है या कैसे है? वो कहते हैं जी वो एक और मसला है, हम किताब से तो किसी की नेकी और बदी का तो फैसला नहीं कर सकते। अगर किताब से फैसला आपको पता कैसे चलेगा फलां वली है अल्लाह का? देखे बात सुने, ये तवातर अमली क्या होती है, तवातर क्या चीज होती है, ये क्या होती है कि सीना बसीना जो चीज चल रही होती है हमारे काबरीन ने बताया। लेकिन ये इबारत तो फिर चल ही रही है ना, वो कहते हैं नहीं इबारत किताबों के जरिए चल रही है, सीना बसीना नहीं चल रही। उनकी जो बुजुर्गी है उनकी दुनिया में हयात में कायम थी। अच्छा, ये जो बात है ना कि किताब के किसी बुजुर्गी साबित होती है ये बात गलत है। अब आप अगर किताबों की तादाद देख ले, मेरे ख्याल में किताबों की तादाद हदीस की होगी 1000 पे भी नहीं जाती होगी। जी 1000 के करीब भी अभी तक किताबों हदीस की किताब है तरत वाली वो भी मुकम्मल नहीं होगी, तो आप क्या समझते होंगे टोटल मुहद्दिसीन ही 1000 है? लाखों मुहद्दिसीन है इस उम्मत के अंदर, तो किताब से आप किसी बंदे की पहचान नहीं होती। बहुत सारे ख्वाब वाला मतलब वो भी क्लियर कर देना। देखिए ख्वाब की ख्वाब कहाँ पे हुज्जत होता है? कहते हैं ऐसा गुस्ताखाना ख्वाब नऊज़ बिल्लाह अल्लाह पाक दिखा सकता है? देखिए बात सुने, ख्वाब की इफेक्टिविटी तो किसी ने भी नहीं मानी। ख्वाब तो सिर्फ कोई शरी हुज्जत तो नहीं है या कोई शरी दलील तो नहीं है। अच्छा, ख्वाब में तो बहुत इमाम अहमद बिन हंबल के लिए भी है, तो उन्होंने अल्लाह को देखा। आप मनाकिब इमाम अहमद बिन हंबल उठा के देख लें, आप मनाकिब हंबलिया उठा के देख लें, सबके अंदर ये बात लिखी हुई है कि ख्वाब के अंदर, और बासरत ये रवायत है कि इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि ख्वाब में मैंने अल्लाह को देखा। तो क्या कोई जात इस दुनिया में अल्लाह को देख सकती है? नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना, वो कहते हैं जी इसमें तो गुस्ताखी तो नहीं ना, ये तो रसूल पाक के नौज़ बिल्लाह कब्र में बड़ी हड्डियां जमा कर देते हैं, वो कहते हैं तो पूरी गुस्ताखी है। देखिए शायद भाई दिल भी कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिस्म है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भर कर मट्टी के साथ मट्टी हो गए, ये गुस्ताखी यहाँ पे नजर नहीं आती? नहीं तो इंजीनियर साहब तो शाह इस्माइल के कहते हैं ना, वो कहते हैं बढ़ते हैं तो बेशक उसकी कुफरियां हैं। इंजीनियर साहब बेशक के कुफरी है, पर कहें कि शाह इस्माइल दिल्ली में कुफर का फतवा भी लगाए थे? वो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है, वो कहते हैं मैं कहूंगा जी भारत कुफरिया चाहे देवबंदी हो बरेलवी हो शिया हो अहले हदीस जो मर्जी। बात ये है कि आप इबारत तो कुफरिया कह देती है, तो साहिब इबारत पर कुफर का फतवा लगाते हुए क्या चीज माने आपसे? आपको ये किसने हक दिया या आप ये अथॉरिटी कहाँ से आई कि आप इबारत पर भी फतवा लगाए? जब आप इतने बड़े आलिम हैं कि आप इबारत पे फतवा लगा सकते हैं तो साहिब इबारत पे भी लगाएं। तो हमने भी तो यही कहा कि चिश्ती रसूलुल्लाह जो है ये इस्लाम की जो असूल है, कवायद है, जवाबित है, उसके खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। किसने कहा कि ये शरीयत के ऐन मुताबिक है? और जो अशरफ अली रसूलुल्लाह वाला वो कहते हैं, अच्छा एक और बात वो कहते हैं, वो कहते हैं बुजुर्ग ना हो ना, वो कहते हैं जी फिर अशरफ अली थानवी का क्या कसूर है, उस पर तो लगा दिया फतवा। भाई तो बात ये है, तो हमने यहाँ पे कौन सा कहा है, थानवी पे इसलिए फतवा लगाया कि थानवी को जब ये ख्वाब सुनाया उसके बाद उसने कहा कि ये अच्छा अमल है। खैर है, हम उस अच्छे अमल पे हमारे मुकाबरीन का फतवा है
ठीक है जी, यहाँ पे किसी ने ये नहीं कहा कि जी चिश्ती रसूलुल्लाह जो है ये अच्छा अमल है, नहीं जारी वो कहते रखो। हैं ना, वो कहते हैं जी कि जब उन्होंने कहा कि जी तू पढ़ दे ला इलाहा चिश्ती रसूलुल्लाह, अगर वो बंदा हाँ मर जाता तौबा से पहले या वो खुद फोत हो जाते, कहते हैं फिर क्या होना था? भाई ये तो फर्जी मसाइल है ना, मर जाता तो एक और बात है। पहली बात तो ये है कि जी वहां पे साफ ये लिखा हुआ है कि ख्वाजा साहब हालत एक खास हालत में थे, बाज रिवायतों में है हालत वज में थे, बाज रिवायात में है कि हालत सुकर में थे। तो नहीं तो वो जब कहते हैं ये जी ये हाल तो फिर जो बंद के जो बुजुर्ग हैं वो भी तो हालत सुकर और साहब में हो ही सकते हैं अच्छा ना। भाई हो नहीं सकते, इसके लिए सबूत की जरूरत है। अगर अशरफ थानवी साहब सूफी हैं, शाह इस्माइल देली सूफी थे, ठीक है जी, कासिम नानोत्री या जितने भी इस पे इतराज हैं सूफी थे, तो सर आंखों पर साबित कर दें नहीं सूफी तो थे। वो देखिए तो अपना सूफी की क्या फिर सबूत उसका कैसे होगा, कुछ उसका तो कोई मेडिकल सूफी टेस्ट नहीं किया, ब्लड ये टेस्ट करें और रिपोर्ट आ जाए। मेडिकल टेस्ट नहीं है, अकाबरीन की जो गवाही है वही चाहिए होती है। एक हदीस के रावी का मतलब अलामा जाबी 500-600 साल बाद एक रावी को कहते हैं ज़ईफ़ है, तो उनके पास क्या टेस्ट था? ये टेस्ट जो मुहद्दिसीन के हैं, ये जो जो इस फन के माहिर है उनके पास होता है, अच्छा उनको मालूम होता है कौन से औलिया हैं। जैसे तबकात है हनाबला के हैं, शाफियों के हैं, इस तरह तबकात औलिया के भी हैं, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा चुकी है। नहीं, लेकिन अशरफ अली साहब को तो बहुत बड़े जो है तसव्वुफ के इमामों में माना जाता है वर्ल्ड वाइड। भाई तसव्वुफ पे काम किया, तसव्वुफ पे काम करना और बात है, सूफी होना और बात है, उस पे खास हालत होना और बात है। अगर तो अशरफ अली थानवी साहब पे कोई भी बंदा उनकी तसानीफ से ये साबित कर दे कि जी उन पे खास हालत थी, मैं देवबंदियों की तरफ नहीं जा रहा, मैं एक कसूर बता रहा हूँ। मैं ठीक है बात यह है कि ये जो चिश्ती रसूलुल्लाह का जो ये आप जिस किताब से पढ़ रहे हैं ना, उस किताब का अगला जुमला भी पढ़ा आपने अच्छा ना, मोहम्मद अली मिर्जा साहब आपको ये पढ़ के दिखाएंगे। अगला जुमला ये है कि हाशा लिल्ला कलमा तो वही है जो हमारे नबी ने बताया, अच्छा आगे जुमला है। अगर ये जुमला ना होता तो फिर तो हम कह सकते थे कि यार ये बातें हैं, आगे जुमला मौजूद है, आप पढ़ ले, आपके पास नेट होगा, ठीक आपके है। पास किताबें अच्छा वो होंगी, बताएं वो जो आप है वो जो कहते हैं जी कि रसूल पाक से असलम की गुस्ताखी वाला मामला इस तरह बनता है कि उन्होंने कहा जी कि शुकर और साहब की मिसाल मैं समझाता हूँ तुम्हें कि हजरत जैद वाले वाकये से मिसाल दी, वो कहते हैं ये तो खुली गुस्ताखी है, इससे तो नतीजा अली भाई, निकाला है। अली अली भाई मैं आपको बताता हूँ, आप या जो जीने साहब है ठीक है जी जी, जी आपको मैं चले देता हूँ कि उन्होंने खुद भी कशफुल माजूब पढ़ी रही होगी। मैं ठीक बताता हूँ, आप कशफुल माजूब खुद पढ़ें, अच्छा आप इस वाक्य से चंद सफात पहले आ जाए, अच्छा वो पहले पढ़ तो सही कि कशफुल माजूब में जो सुकर और साफ के जो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं ना, वो उनका क्या माना लेते हैं, वो पहले पढ़ ले। जब वो पढ़ लेंगे तो आपको ये वाक्य भी समझ आ जाएगा। इस तरह नहीं होता कि जी आप किताब से एक चीज उठाए, मसलन इमाम हाकिम ने या दीगर मुहद्दिसीन ने कोई भी ऐसा कलमा लिखा ठीक है जी, और उसकी सनद मौजू है, और वो सिर्फ जुमला उठा के इमाम हाकिम पे या मुहद्दिसीन पे चढ़ाई कर दे तो ये मुनासिब होगा? नहीं, इसलिए कि पीछे उन्हें सनद दे दी है, हमारा काम है सनद को चेक करना। ठीक है कशफुल माजूब में हालत साफ और शुक्र की पहले तारीफ लिखी हुई है, पहले उस तारीफ को पढ़े, बड़ी अच्छा तफसील के साथ तारीफ लिखी हुई है, और जवाब में ये भी बताया गया है जो मेरे ख्याल में जिन साहब ने पढ़ना मुनासिब नहीं समझा, पहले आप कशफुल माजूब खोल के आसान तर्जमा जिन साहब के सामने रखे नहीं जीनियर साहब तो कहते किबला, हैं, मैंने तो कहते हैं ये बहुत शुरू में पढ़ ली थी सारी किताबें, बल्कि उनके पास पढ़ी हैं, मैंने खुद देखी भी और हैं। नहीं तो आप आपके नजदीक साफ क्या होती है और शुक्र क्या होता है, पहले आप मुझे नहीं बताएं। मैंने तो नहीं ना पूरी तफसील पढ़ी, नहीं वैसे ही बताएं ना, वही आपके जीने साहब नजदीक कहते जो हैं ना, वो जहन में आ कहते रहा हैं है। बाकी तो बहस छोड़े, वो कहते हैं जो अली अजमेरी साहब हैं उन्होंने तो अपनी किताब में लिखा है जी मैं आपको समझाता हूँ ये क्या होती है, तो कहते हैं बात फिर यह वो है, कहते हैं जो फिर उन्होंने बात समझाया ना वो बरेलवी अवाम कबूल करेगी। बात यह है कि उन्होंने जो बात लिखी सारी बात लिखी, पहले उस तारीफ को तो पढ़ लें कि वो क्या कह रहे हैं, इसका मुराद क्या है, माना क्या है। मसलन अभी बहुत सारे अरबी के अल्फाज ऐसे हैं जिसके 28-28, 30-30 माना निकलते हैं, तो आप कॉन्टेक्स्ट में देख के उसका तर्जुमा करेंगे या बस जो भी आपके मुंह में आएगा आप तर्जुमा करते जाएंगे? बात इसलिए अच्छा, दूसरी बात यह है कि कशफुल माजूब का कौन सा ऐसा फर्क है, फिरका है बशमूल अहले हदीस के जिनके नजदीक कशफुल माजूब जो है वो मोतबर किताब नहीं है। नुज़ुतुल ख़ातिर मैं आपको अभी नहीं चैलेंज अहले करता हूँ, हदीस को कशफुल महजूब को कहाँ मानते हैं, वो तो इन बुजुर्गों को मानते ही नहीं है सिरे से। मैं आपको बताता हूँ ना किबला, आपका हवाला दे रहा हूँ ना, आप नुज़ुतुल ये ख़ातिर तो आप उठाएं, बेतरान कुल बात बारे हैं, उस पर आप दलाइल दें।
मैं आपको दलील दे रहा हूँ ना, एक दलील, पहली दलील दे रहा हूँ मैं आपको। आपके पास होगी बरे सगीर के उलमाए कराम तर्जुमा है उसका, नुज़ुतुल ख्वातिर का, अच्छा जी। अब्दुल हई हसनी ने ये किताब लिखी है, और बरे सगीर के जो उलमाए कराम है, जैसे अस्माउर रिजाल की किताब होती है ना, मिजानुल रिजाल, ताजीब ताजीब, तकरीब ताजीब, ताजीब कमाल, ये हिंदुस्तान के उलमाए कराम की हालात के ऊपर ये किताब। अच्छा जी। इसके अंदर हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हालात जिंदगी निकालिएगा, अच्छा जी, उसके अंदर जाके जरा आप किशफुल माजूब की तारीफ पढ़िएगा। अच्छा, अब्दुल हई हसनी साहब जो है ये नदवी है, आपको शायद ये मालूम हो। नहीं, ये अली हदीस। अच्छा, मैं पहले बात सुन, नदवी थे, नदवियों का कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग था दोनों साइड पे, दियोबंदियों के साथ भी और अहले हदीसों के साथ भी। अच्छा, अच्छा, अब आप ये साबित करेंगे कि जी इससे अहले हदीस का कहाँ पता चलता है। ये जो नुज़ुतुल ख्वातिर है ना, ये सारी की सारी लिखवाई इनको शम्सुल हक अजीमाबादी साहब ने। अच्छा जी। जब नुज़ुतुल ख्वातिर मुकम्मल हो गई तो शम्सुल हक अजीमाबादी ने मुबारकबादी की और इस किताब की अथेंटिसिटी के ऊपर उनको खत भी लिखा। ठीक है, वो खत भी मेरे पास मौजूद है। और उन्होंने कहा, कहा शम्सुल हक अजीमाबादी इनके कोई मुत्तफिका बुजुर्ग हैं हदीसों के? अल्लाह के वली, ये इनके तो हिंदुस्तान में बड़े मुहद्दिस हैं, नजीर साहब देहलवी के बाद। अच्छा, ये जिन्होंने सुन्नत अबी दाऊद की शरह लिखी, औन अल माबूद के मुसन्निफ हैं वो। अच्छा जी, उन्होंने इसकी तारीफ लिखी है। किसकी? और उन्होंने कहा नुज़ुतुल ख्वातिर किताब की लिखवाई उन्होंने, सारी सारी किताबें प्रोवाइड ही शम्सुल हक अजीमाबादी ने की इसके रिजाल के ऊपर। नुज़ुतुल ख्वातिर को लिखवाने वाले ही शम्सुल हक अजीमाबादी थे। इसके अंदर जितने तराजम लिखे गए हैं वो सब के सब मुसद्दका है शम्सुल हक अजीमाबादी के। कोई इतराज करे तो मैं आपको अभी सबूत पेश करने के लिए तैयार हूँ उसके बारे तो में। इसकी तो ये भी बात कि वो कह सकते हैं ना कि जी वो कोई लाजमी तो नहीं है कि हर बंदे को पता उन्होंने अपनी किताब में ये बात लिखी हुई है। कशफुल माजूब भाई वो कहते हैं, उनकी जो तारीफ लिखी है कशफुल माजूब, तो क्या बगैर पढ़ी तारीफ लिख दी? हाँ, फिर तो पढ़ी होगी। हाँ, तो ऐसी तारीफ। अच्छा, भी कोई हवाला है या सिर्फ एक ही शख्सियत है? फिर सलमान मंसूर, क्या नाम था वो, रहमतुल्लाह आलमीन वाला जो था, सलमान मंसूर पूरी। हाँ, सलमान मंसूर पूरी ने जो कशफुल माजूब के बारे में लिखी है बातें। एक अहले हदीस तो बता दो ना, फिर एहसान अली ज़हीर ने और फिर सुलेमान केलानी ने। नहीं, एहसान अली ज़हीर साहब ने क्या लिखा है? वो कशफुल दाता साहब की तारीफ की है एहसान अली ज़हीर साहब ने। जी जी, वो हम आपको हवाले दिखाएंगे। फिर अब्दुल रहमान केलानी साहब, हैरान कर बातें हैं। एहसान अली ज़हीर साहब तो जो अहले हदीसों के जो वो ऐसे हजरात है ना कि जो बहुत ही सख्त हैं तौहीद के मामले में, मसाइल में उनके इमाम हैं। इब्ने तैमिया से सख्त कोई भी नहीं होगा ना, मतलब तौहीद के मामले में इब्ने तैमिया से ज्यादा कुछ सख्त है। तो इब्ने तैमिया ने क्या लिखा है ना? इब्ने तैमिया ने जो बायज़ीद बस्तामी, जुनैद बगदादी, हजरत शिबली, इनकी जो तारीफ की है तो वो किस खाते में जाएगी? वो कहाँ की है उन्होंने? वो जब इनको नहीं पता और अपने शागिर्दों को नहीं बताते तो इससे हमारा कसूर थोड़ी है। आप उनका फतावा उठा के देखे ना, आप उनकी वो जो है औलिया रहमान व शैतान किताब है उसमें भी उठा के देखे। आप इब्ने कय्यिम की मदारज सालिकीन उठा के देखे। मदारज सालिकीन तो है ही तसव्वुफ की किताब की शरह, वो तो प्योर टिपिकल उसकी किताब है, तसव्वुफ की किताब है। इंजीनियर साहब तर्जुमा करके दिखाएं आपको। तो बहुत सारी बातें छुपा कर हम एतराज करना आले सुन्नत पर, ये गलत बात है। नहीं, ये जो अलते शुक्र और साहब वाली जो इबारत है, ये आप क्या समझते हैं, कुफरी इबारत नहीं है? ये कुफरी इबारत कहाँ से आ गई भाई? मतलब क्या अगर नहीं, ये बात कहना कि रसूल पाक से उनकी नजर मुबारक नाउज बिल्ला पड़ गई, जैसे कि ओरिया की पड़ गई थी, तो वो तो फिर आप ओरिया की बीवी पर पड़ गई थी दाऊद अलैहिस्सलाम की। ये तो आम मुसलमान तो नहीं बर्दाश्त करता ये बात। मुझे एक बात सुने आप, बात ये है कि आप पहले पूरे वाक्य को पढ़ लें, खुद पढ़ें। मैं आपको ये चैलेंज देता हूँ, मेरे बताने से आपको समझ नहीं। मुझे नहीं, इंजीनियर साहब के बारे में आप बात करें ना, मैं तो बिल्कुल इस मामले में अल्लाह के वली, आप न्यूट्रल है ना, आपके पास कशफुल माजूब नहीं है तो नेट से डाउनलोड करें, जहाँ पे बाप शुरू होता है। अच्छा। हालत शुक्र का औसाफ का वो पढ़ना शुरू करें तो फिर आपके दिमाग के भी दरीचे खुलते जाएंगे कि क्या है। ठीक है जी, अगर ये कुफिया इबारत है तो इसके ऊपर शम्सुल हक अजीमाबादी की स्टैंप लगी हुई है नुज़ुतुल ख्वातिर। अगर ये कहते हैं कि कुफर है तो शम्सुल हक अजीमाबादी पे भी कुफर का फतवा लगा दे कि जी उसने इस किताब की तारीफ की है। फिर आप सलमान मंसूरी पूरी पे लगा दे, फिर अब्दुलरहमान केलानी के ऊपर लगा दे, ऐसी बात नहीं होती कि जो आप। लेकिन एहसान अली ज़हीर साहब वाली आपने बड़ी अजीब बात बताई, और इब्ने तैमिया वाली, क्योंकि ये तो ऐसे बंदे हैं कि जिनकी पहचान है कि ये यानी कि इनके जो ये जो गाली सूफी होते हैं इनके बड़े दुश्मन हैं। इब्ने तैमिया ने बायज़ीद बस्तामी को, अज़र जुनैद बगदादी को सूफिया का सरखेल लिखा, उनकी तारीफ की है। नहीं, अहले हक तो नहीं माना ना,
अहले हक माना ना, उनकी तारीफें की है, अहले आप तौहीद भी उठा माना है। के अरे तौहीद भी माना, आप इब्न कय्यम को उठा के देख लें, इब्न कसीर, चले इब्न कसीर को उठा के देख लें, तारीख इब्न कसीर में आप देख रहे हैं कि हजरत जुनैद बगदादी के बारे में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, उन्होंने बायजीद बुस्तानी के बारे में क्या लिखा हुआ है, औलिया के बारे में क्या लिखा हुआ है, आप खुद पढ़ लें। हजरत फजैल बिन अयाज के बारे में क्या लिखा हुआ है, आप अलावा जादी की तारीख इस्लाम उठा के देख लें, आप सीर उठा के देख लें, तारीख इस्लाम में अलामा जावी ने हजरत शिबली की शतिहाद साबे शता लिख के कहा है कि इनके जो कलमात साबे नहीं। तो हुए आज के दौर उसमें में कोई अगर कोई शख्स हो, जैसे सरगोधा में एक पीर साहब थे जिन्होंने बंदों को मार दिया, वो कहते हैं मैं इनको पाक किया, मैं जिंदा भी कर सकता हूँ, तो कोई कह दे ये शतियाते सूफिया ही थी। तो शतिहाद सूफिया की कंडीशन होती है, तो हम कोई आले सुन्नत वाले तो थे बेवकूफ तो नहीं है कि हमें पता ना हो कि शतिहाद क्या होती है, कौन सूफी है, कोई अल्लाह का वली है। उसकी पूरी की पूरी आला हजरत का एक पूरा रिसाला है फतावा रिजविया के अंदर, किताबचे में भी है कि सूफी की क्या पहचान है, साहिब तरीकत की क्या पहचान है, उसके क्या तरीके हैं। और दूसरा वो ये कहते जो हैं जी कि बात सहाबा इकराम से नऊज़ बिल्लाह ऐसी बातें नहीं मिलती, वो उनसे बड़ा कोई वली था। मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये कहा कि आप उठा के देख लें, ये जो मनाजर एहसन गिलानी की किताब है अच्छा हजरत अबू ज़र गफारी के ऊपर, अच्छा वो पढ़ ले जरा, उसने खुद वाकयात लिखे है कि हजरत अबू ज़र गफारी के ऊपर कौन कौन सी हालात हालत होती थी। नहीं वो तो उन्होंने अपने तौर पे लिखे हैं या कोई वाला भी दिया है? अपने तौर पे नहीं, क़िबला मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की अहादीस मौजूद है इसके अंदर, उनकी वो हालत मैं गैर गलत होती हूँ क्या थी बताऊँ? भाई, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में ये रिवायत हसन सनद के साथ है, और क्या अगर मुझे मन रिवायत गलत भी बताएं? है उसमें कुछ अल्फाज ऐसे हैं, पूरे अल्फाज कैसे नहीं है कि जी वो बाजार में जा रहे थे तो उनकी हालत गैर होगी तो वो अजीब थे उनकी हालत, मैं अब नहीं कहना चाहता, वो रिवायात के अंदर मौजूद है। अच्छा अगर मन गलत भी है तो फिर तो आप नहीं मुस्लिम पूरा इमाम वाला दे देना अहमद, ताकि इंजीनियर साहब से ये तो हम सवाल पूछ ही सकते हैं ना, क्योंकि वो हदीस का तो आप आप काफी आप वो स्टडी है। पढ़े ना, आप वो पढ़े आसफ गिलानी की किताब जो अबूज़र गफारी के हालात के ऊपर लिखी गई, आप पढ़े जरा उसको, नहीं हम तो फिर उसमें मुस्नद बहावत। अहमद में देख लेंगे, कोई इंजीनियर साहब के पास पढ़ी हुई भी है ना। मुस्नद अच्छा इमाम एक अहमद बात, के नंबर में कौन सा अच्छा चैप्टर है? अच्छा एक और बात, जो अबूज़र गफारी का जो बाब है आप उसमें देखें, अच्छा वहां तो वो मसला ही सहाबा शतियात के नाम से सूफिया है, वाला मसला है? आप जरा देखें तो सही ना उनकी हालत, आप कहते ना कि सहाबा कराम पे हालत क्यों नहीं होती थी, उनके ऊपर भी हालत ये तारी हुई है। अच्छा दूसरी बात यह है, मान लेते हैं कि ये रिवायत मौजूद है एक तरफ, तो फिर मुझे बताएं मुस्लिम इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में क्या राय होगी कि जिन्होंने ये नकल की अपनी किताब के अंदर। नहीं वो कहते हैं उन्हें संदेह दे दिया ना, वो तो मुजरम ही नहीं लग रहे थे। यही यही चीज होती है कि तसव्वुफ की किताब के अंदर आ जाना, ये साहिब किताब के ऊपर डायरेक्ट फतवा नहीं लगता, हम यही चीजें एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनको समझ में नहीं आती। हम ये कहते हैं कि जी कुफर तो उस वक्त है कि जी साहिब कलमा भी ये कहे कि जी अहले शरीयत है। अच्छा चिश्ती रसूलुल्लाह कहने के बाद मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप फवाइदुस सालिकीन कोई बड़ी किताब नहीं है, छोटी किताब है, आप वो पढ़ें। इस जुमले के बाद हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाशा लिल्लाह कलमा तो वही है जो हमारे नबी ने बताया। जब इसकी ये बात कर दी तो जो पिछले जो जो उनकी जो नशता थी या जो उनकी इबारत थी वो तो उसका खुद ही पस मंजर उन्होंने गायब कर दिया था। जब आप एक चीज उठाएंगे ना उसका पिछले से बताएंगे ना अगले से बताएंगे तो फिर क्या आप क्या इस्लाम का क्या चेहरा पेश करने लगे आप? अच्छा एक तो वो थी ना हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु वाली बात थी, दूसरा ये अच्छा जो कब्र मुबारक को करने वाली, वो कहते हैं जी ये तो नऊज़ बिल्लाह अहले सुन्नत में किसका अकीदा है कि रसूल पाक उनकी अकीदा कब्र? छोड़ दे, आप मुझे आप देखिए अली भाई मुझे बताएं, आप पढ़े लिखे बताएं, मुझे बताएं कुफर कहते किसे हैं? कुफर थी तो बेशुमार ही किस्में है ना वो तो। अभी कुफर किसे कहते हैं? अब ये है कि जो उन्होंने ख्वाब में ये खास चीज देखी तो इसमें क्या चीज ऐसी थी उनको लगा ख्वाब की, किसी ने कहा कि जी ये ख्वाब ही हुज्जत है या हम हमारा अकीदा ही है? हम तो आले सुनत ये कहते हैं कि नबी पाक अपनी कब्र मुबारक में जिंदा है, हमारे अकीदे के ऊपर नहीं आप वो कहते रद्द ना करते डॉक्टर हो? तारुल कादरी साहब को ख्वाब आ जाए या अशरफ अली थानवी साहब को आ जाए या किसी देवबंद के बुजुर्ग को, अहले हदीसों के किसी बुजुर्ग को आ जाए तो कहते हैं वहां पे तो फतेह कुफर के लग जाते हैं। भाई तायरुल कादरी को अगर ख्वाब आ जाए जो भी आ जाए उस पर हमारे अकाबरीन ने बड़ी बड़ी किताबें लिखी है, उसकी वजूहत बताई है, खाली ख्वाब आने की वजह से हम नहीं कहते। अशरफ अली थानवी पे जो हमारे अकाबरीन ने किया आप पहले पूरा पढ़ लें, हमारे अकाबरीन कोई इतने सादा तो नहीं थे ना इतने बेवकूफ थे, उन्होंने सिर्फ ख्वाब के ऊपर फतवा नहीं लगाया, ये सवाल आला हजरत से भी हुआ कि वो चिश्ती रसूलुल्लाह पे आपका फतवा नहीं है और ये अशरफ अली थानवी पे क्यों आपका फतवा है,
और उन्होंने ये कहा कि अगर तो ख्वाब तक ये बात रहती तो फिर ठीक था, क्योंकि उन्होंने हालत उसमें जाग कर हालत नींद से निकल कर वो सही हालत में थे, उन्होंने इसकी तस्दीक की, तब जाके उन्होंने एतराज किया इसके ऊपर। फिर आला हजरत ने ये जितनी भी औलिया कराम की किताबें हैं उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा है कि इनकी इबारतें हम पे हुज्जत नहीं है, इसलिए कि ये बासबब किताबें हैं ही नहीं। अच्छा फिर एक और चीज़ है, वो एक और सवाल, जी ठीक, एक और सवाल ये पैदा हो सकता है अकली तौर पे, पता नहीं इंजीनियर साहब ये करें या ना करें, मेरे दिन में पैदा होता है कि कोई बंदा ये भी कह सकता है कि यार ऐसी हालत के जिसमें आप कुफर या बात करें, ये क्या अल्लाह की तरफ से होगी या शैतान की तरफ से होगी, देखिए चाहे अल्लाह की तरफ से फिर हो तो उस चाहे बंदे की शैतान की पर्सनैलिटी तरफ से। डाउटफुल होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सही बुखारी में एक रवायत है बीबी आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से, कि दो रवायतें मुख्तलिफ अगर मैं गलत ना रहूँ, एक नींद के बारे में है और एक खाने के बारे में, ठीक है जी, माफी अगर कोई लफ्ज आगे पीछे तो इसके लिए माजरत, ठीक है कि अगर इन दो हालतों में से किसी हालत हो तो उसको चाहिए कि ये पहले या तो नींद कर ले या खाना खा ले, इस हालत में नमाज ना पढ़े, क्योंकि हो सकता है कि नींद की हालत में हो, उसको नींद का इतना गलबा हो उसको ये ना हाँ, पता कुछ चल और ही रहा पढ़ हो ले, कि मैं क्या कलमा, कुछ कुछ और और ही पढ़ पढ़ लूं। ले, बिल्कुल सही है। अब क्या है इस बारे में, जब नींद की हालत इंसान की अकल को इस हद तक ले जाती है कि उसको फर्क ही नहीं मालूम होता कि वो सही क्या है और गलत क्या है, ठीक है, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। तो एक बंदा जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में इस दुनिया से ही वो हो गया है। देखिए आप ये मजनू किसे कहते हैं, मजनू एक हकीकत है, कोई ड्रामा थोड़ी है, रिवायात में हदीसों में सब कुछ आया मजनू के बारे में, ठीक है जी, वो एक दुनियावी इश्क में अपनी जो अकल थी उसका बिल्कुल ही कंसेप्ट चेंज हो गया, नहीं, हदीसों में तो मजनू का किधर जिक्र आ गया? हदीसों में नहीं रवायात के अंदर, अच्छा, यानी कोई ऐसी मौजूदगी है, ठीक ये है, कोई ऐसी कहानी नहीं है जिसको कोई सबूत ना हो, अच्छा अगर उससे आप मजनू से हट के दीगर जितनी भी ये दुनियावी कहावते हैं ठीक तो है, एक दुनियावी मोहब्बत के अंदर उसका जो दिलो दिमाग है वो किसी और जगह पे अटक गया है, तो आप क्या ख्याल है कि जो अल्लाह की मोहब्बत में हो तो उनका वो नहीं आ सकता। अच्छा दूसरी बात यह है कि तमाम अकाबरीन ने, तमाम औलिया इकराम ने हालत शुक्र की हालत को नाकिस करार दिया है, कि ये वो हालत है जब औलिया तसव्वुफ पे जाते हैं तो ये इब्तिदाई स्टेज होती है और ये नाकिस हालत है, इसको किसी ने अच्छा नहीं कहा, हालत साफ डिफरेंट चीज है, नहीं उसकी मसलन कोई तारीफ बंदा की सवाल गई है। कर सकता है कि जी इमाम अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह जो थे वो भी तो बड़े बुजुर्ग थे, तो उनपे हालत शुक्र और साफ क्यों नहीं है, इसका मतलब वो वली नहीं थे? देखिए वलियों की किस्में हैं, अच्छा आप जब पढ़ेंगे, आप तबकात औलिया पढ़े, आप वलियों की किस्म है, बहुत सारे औलिया हुए हैं जिनसे कोई शतियात नहीं हुई, नहीं, बहुत वो सारे शतियात औलिया ना हैं होने वाले बड़े हैं या होने वाले बड़े हैं? मैंने आपको कहा जो हालत साफ में है वो हालत ज्यादा बेहतर है, शुक्र की हालत निचले दर्जे की हालत है। क्या क्या हजरत इमाम हसन और हुसैन वो नहीं थे, वलीउल्लाह नहीं थे? क्या हजरत अली करमुल्लाह अब्दुल करीम वलीउल्लाह नहीं थे? उनसे इमाम तो ऐसी कोई हसन बारात बिन नहीं मिलती। हसन मैं ही कह रहा हूँ ना, हसन बसरी, अब्दुल वाहिद बिन ज़ियाद, इब्राहिम बिन अदब, हजरत फरीद सकती, ये जितने भी हैं, बाज की हालत साफ रही है, बाज पे हालत शुक्र रही है, और इनमें से भी बहुत सारे काबरीन के ऊपर खास हालत तारी रही है। अच्छा बात तो ये होती है कि कोई ये कहता हमारे आला हजरत के साथ कि ये जो हालत शुक्र में ये जो इबारत आई है ये ऐन शरीयत है, तो फिर तो हम पे एतराज हो सकता था। आला हजरत ने फतावा रिजविया में जगह जगह लिखा है कि ये कलमात हालत शुक्र में है, शरीयत के खिलाफ है, ये जगह जगह पे उन्होंने लिखा हुआ है, नहीं, फिर इन सूफिया लेकिन को लीडर मान के इनसे दीन क्यों लिया जाए, मतलब फिर इनकी क्या देखिए खिदमत फिर देख कैसे मानी जाए? देखिए बात सुने ना, इनमें से बहुत सारे सूफिया थे जिनपे इब्तदाई तौर पे हालत शुक्र रहा, हालत शुक्र से वो हालत तब्दील हुई, वो हालत साफ में चले गए, उनकी जो तरबियत थी वो मुकम्मल हो गई। देखिए अब एक तालिब इल्म है वो तो हालत मैट्रिक पे साहब में क्या पढ़ता है, होता है? हालत साफ में होता है कि उसका जो लेवल होता है वो सही हो जाता है, इस तरह कलमात नहीं निकलते उसके बीच में, फिर तो जब आम शुरू बंदा शुरू बन देख गया ना वो, नहीं आम ही बंदा बन गया, खास बात वलिए क्या उसकी? कामल, देखिए वलिए का नहीं, वलिए कामिल को जाते जाते स्टेज है, जब आप ये पढ़ेंगे तसव्वुफ में, तसव्वुफ में हालत शुक्र कब आती है, हालत साफ क्या होती है, फिर बहुत सारे सूफिया ऐसे होते हैं जो मजनून रहे, जो मजनून हुए थे उसके अंदर, वो जो अपनी मजदूर हालत टाइप से, होते हैं, मजदूर टाइप, जी, वो उनकी हालत स्टेबल ना हो सकी, फिर
जब आप ये अपराते औलिया पढ़ेंगे, ये सारी इतने मुलक नहीं उठा नहीं, के फिर आप देखिए क्या आप। समझते हैं ये मतलब है शरीयत में जायज है ये सारा सिलसिला करना? मैं आपको बताता हूँ या आप जो हमारी शरीयत तरह सादे मुसलमान रहे ज्यादा बेहतर है? नहीं, मैं बताता हूँ आपको, ये तो फिर सारा देखिए सिलसिला ही खतरनाक है बड़ा। नहीं खतरनाक नहीं है, देखिए बात यह बंदा है ईमान से ही कि चला जाए। अब कैसे चला जाए, नींद में आप कोई कहते कोई कलमा करते हैं तो उस पर कोई फतवा लगाएगा? अच्छा दिल में आप कोई बात सोचते हैं या दिमाग में कोई बात सोचते हैं तो उस पर कुफर का फतवा लग सकता है? नहीं नहीं लगता ना। तो जब हालत नींद में कोई बात की हुई उस पर फतवा नहीं लग सकता तो हालत शुक्र में क्यों नहीं लग सकता, क्यों लग सकता है ये बताए मुझे। हालत शुक्र वो होती है आप ये समझे कि कुछ लम्हे के लिए, कुछ टाइम के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए उसकी जो अकल होती है वो उस तरीके से काम नहीं करती। ये सब बड़ी तफसील से तसव्वुफ की किताबों में लिखा हुआ है। अच्छा देखिए अगर ये ऐसी बात होती, आप तबकाते औलिया उठा के देख रहे हैं, ये किताब है इब्ने मुल्लकन की, अच्छा और शायद आपको ये मालूम ना हो इब्ने मुल्लकन जो है ये उस्ताद है हाफिज इब्ने हजर के, और जितना इल्म हाफिज इब्ने हजर ने इब्ने मुल्लकन से लिया है शायद ही किसी से लिया। अच्छा और ये सूफी नहीं थे शुरू में, ये अच्छा मुहद्दिस थे, प्योर प्योर मुहद्दिसीन में से थे। अच्छा जी बुखारी की शरह है, रिजाल के ऊपर शरह है, इनकी तो बहुत सारी किताबें हैं। अच्छा जुबैर जैन तो जगह जगह इब्ने मुल्लकन से इस्तेफादा किया हुआ है। ठीक है, इनकी तबकाते औलिया पढ़ ले आप, इन अहले हदीसों के अकल ठिकाने आ गए। ये क्या लिखते हैं? तो आप पढ़े तो सही ना कि नहीं शतियात औलिया को की जायज क्या कहते तारीफ हैं, है। अल्लामा ज़ाहबी तक जायज कहते हैं शतियात को। आप में शतिहात को। आप ऐसा करें ना, सीरे अलामा नुबला उठा ले या तारीख इस्लाम उठा ले, हजरत शिबली के हालात निकाल ले। चले आप मोहम्मद अली मिर्जा को कहें कि यार ये जो तारीख इस्लाम में और सीरे अलामा नुबला में जो हजरत शिबली के बारे में नहीं मोहम्मद अली मिर्जा साहब तो तारीख कहते हैं जी बता, मुझे तो मौलवियों की बातें ना बताएं, ना मुझे मौलवियों की किसी किसी पुराने से पुराने मौलवी की मुझे धमकी दोष ना दें, कहते हैं नहीं तो मुझे फिर क्या कुरान मैं हदीस बताएं आप बस। बात ये है कि मुझे बताएं ये शता की जो असलाहत है क्या कुरान और हदीस में होगी? तो वो कहते हैं जो चीज़ कुरान हदीस नहीं है, कहते हैं वो फिर आपका एक अपना फ्रॉड है। अच्छा तो फिर ये सुन्नत वाजिब फर्ज नफल ये क्या होंगे? वो कहते हैं फिर आप ये कहते हैं, बल्कि लास्ट इंटरव्यू में उन्होंने कहा जी फिर हमें आपको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं कि चलो यार हाँ ये आपके बुजुर्गों के अपने शौक है, उन्होंने अपने इंटरेस्ट की काम किए हैं, इसका दीन से कोई लेना देना नहीं, फिर इन देखिए बात बुजुर्गों का सुन, दीन से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर इनकी अपनी एक इंजॉयमेंट है। कहते अच्छा फिर जितने भी हैं मुझे मोहदिसीन आप बताएं होंगे, खाली कुरान हदीस, मुझे कहते हैं बुजुर्गों की बाबों की दोस्त ना दें, क्योंकि अच्छा दूसरी बात अहले ये हदीसों के बात, बाबों ने भी लिखा है। वो कहते हैं जी अगर अहले हदीसों ने लिखा है, बरेलवियों ने लिखा है, देवबंदियों ने लिखा है। वो कहते हैं जी जो मुनाजरा हुआ था ना गुस्ताख कौन, हाँ उसमें बरेलवियों ने कहा जी अहले हदीस गुस्ताख है, देवबंदियों ने अहले हदीसों ने कहा जी अपना बरेलवी गुस्ताख है, तो दोनों ने कहा चलो यार कोई नहीं ठीक है। अच्छा बात सुने वो कहते हैं अलावा मेरे पे जाबी ये चीज किसका नहीं बाबा है? चलेगी, अच्छा मैं ठीक सारों को नहीं मानूंगा, मैं कहूंगा कुरान हदीस में दिखा दो। अच्छा मुझे मुझे बताएं अलावा जाबी किसका बाबा है? अलामा ज़ाहबी को तो ये हमारा काफी कोट करते हैं, नहीं तो अलावा नहीं, अलावा जाबी हमारा बाबा है, वो तो कंबाइंड है सबके, अहले दिशा का बाबा है। नहीं जाहिर है। बताए ना किसका बाबा है, नहीं वो तो पूरी उम्मत ही उनको मानती है ना सिवाय शियों के। जो पूरी उम्मत मानती है ना, तो फिर ये कौन सी बाकी बोली है मोहम्मद अली मिर्जा के लिए बाबा है? जब अलामा जादी का मैं हवाला दे रहा हूँ कि सीर अलामा नुबला उठा के देख ले, देखे हदीस भी हदीस नबी का कलाम है। मैं आपको बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं ठीक है हदीस नबी का कलाम है, लेकिन जब तक मुहद्दिसीन का हुक्म नहीं लगेगा आप उस हुक्म को मान ही नहीं सकते। हाँ जरा हदीस को पता मान नहीं सकते आप? साबित ही नहीं होती है भाई, आपसे असलम का फरमान तो है ये। फिर ये को फिर मैं ये कहूँ इतराज कि मुझे ये मुहद्दिसीन के अकवाल ला दे, मेरे लिए हुज्जत नहीं है मुहद्दिसीन के अकवाल, मैं तो मुकल्ले दूँ। फिर ये बात जाहिलाना है, जाहिलाना अच्छा नहीं है बल्कि गुमराहकुन में बात यह है कि जिस फन के जो इमाम होते हैं, मसलन मुझे ये बताएं कुरान का तर्जुमा किसी का बाबा के करेगा उर्दू में, या हदीस में तर्जुमा मौजूद है कुरान शरीफ का? वो तो बताएं सारे वहां कौन उलमा ने किया है, किस किस के बाबे ने किया तर्जुमा आके सब उर्दू सब में? ने किया, सब आलमों ने किया है। नहीं बता, फिर हम उसको कहेंगे कि हम नहीं मानते ये किसी बाबे का तर्जुमा किया हुआ है, लाल अस्कर तर्जुमा तो ये बनता है। अच्छा ये बड़ी गुमराहकुन बात है। देखिए उम्मत का और वैसे भी अकल सलीमा ये कहती है कि जो जिस फन का इमाम होगा उसकी बात हुज्जत होगी। अच्छा मुहद्दिस ये कह सकता है कि ये रावी ज़ईफ़ है और ये शिका है, कोई लूमी नहीं नहीं आप कह मुझे एक सकता, बात कोई बताएं मुफस्सिर। कि एक और बात भी इन्होंने इबारत पेश की है ना, वो भी पूछ लूँ आपसे, क्योंकि देखिए आप नहीं जरा मुझे बरेलवी मुझे मसले मुझे के नुमाइंदे हैं ना। नहीं, यहाँ पे ना एक बात क्लियर कर दूँ, जी, आप इस मामले को हल करना चाहते हैं तो सीरे अनामुल्लाह का जो एक या दो सफ़े हैं या ज़्यादा चार सफ़े हैं, या तो वो जिल्ले से
या वो फोटो कापी ले लें या प्रिंट आउट निकाल लें, और तारीख इस्लाम का, ये अलामा ज़ाबी की किताबें हैं। हजरत शिबली के बारे में और उन्होंने जो शता के बारे में लिखा हुआ है वो उनसे तर्जुमा करा ले, चले फिर इनको ये समझ आएगी कि शता होती है कि नहीं होती। अलामा ज़ाबी का इल्म इंजीनियर साहब से कम है, और इंजीनियर साहब का इल्म जो है अलामा ज़ाबी से बढ़कर है। इब्ने मुलक्कन ने जो तबकातुल औलिया में अलामा शिबली, बायजीद मुस्तानी, जुनैद बगदादी के बारे में जो लिखा हुआ है, क्या वो उनकी गुमराही थी? अच्छा मुझे एक चीज़ आप और क्लियर करें, एक और सवाल भी पूछ लो फिर आपसे, एक और सवाल करो फिर किसको क्लोज करते हैं, बहुत लंबी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, डिलीट ही ना हो जाए। फैसल भाई एक चीज़ आपसे ये पूछ लूँ, एक और इबारत पेश की जाती है, बल्कि ये तो जहर है दिगर मकादम फिक्र भी जहर है जो बरेलवियों के मुखालिफ में पेश करते ही है ना, कि आप जब सरों को गुस्ताख कहते हैं तो अहमद रजा बरेलवी साहब ने जब ये मसला समझाया ना, इंजीनियर साहब ने बड़ा जोर दे दे के ये बात की कि जब यासीन नबी की बात आई ना तो अहमद रजा बरेलवी साहब कहते हैं मेरी तरह ना जरा थोड़े से खुले डुले से बिल्कुल फ्री स्टाइल बात करने वाले बंदे थे। अच्छा कहते हैं वो कहते हैं मैं कहते हैं जैसे मैं हूँ ना, मतलब लोग मुझे कहते हैं ना जी ये जनाब लगी लिपटी नहीं कर ठोक के रखता है टिका के, वो कहते हैं जनाब बात करता है ना मतलब ऐसे ही सख्त बात कर देता है, अच्छा। दकी छुपी नहीं करता, मतलब शुगर कोटेड नहीं करता, कहते जी अहमद रजा बरेलवी साहब ने जब मसला समझाया ना यातू नबी का तो दियोबंदी वगैरह जो थे ना वो तो मतलब थोड़ा समझा बुझा के लंबी चौड़ी करते थे ना, अहमद रजा बरेलवी साहब ने सीधी डोटो की बात कर दी कि हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, पता नहीं कौन से बुजुर्ग का नाम लिया, कि वो जो आपको पता है वो शाबाशी वाला मसला, अच्छा वो कहते हैं जी अगर ये गुस्ताखी नहीं फिर मुझे बताएं क्या है, कहते हैं फिर ये कहेंगे जी हमारे बुजुर्ग ने तो नहीं कहा, उन्होंने कहा जी हमारे बुजुर्ग बता, तो कहते हैं उन बुजुर्गों को माना क्यों है जिन्होंने ऐसी गुस्ताखी लिखी है, कहते हैं बरेलवी अवाम ये बात मान सकती है, अगर आज अच्छा, बरेलवी में जाके कोई दियोबंदी भाभी ऐसी बात कह दे अच्छा तो उसको तो कहते हैं लोग अच्छा, लगा देना छित्र। बात ये शबाशी है ना, शबाशी के लफ्ज़ पे है, मैं आपको कहता हूँ कि लुगत उर्दू निकाल लें, मैं या तो 10 लीटर हमें मारे या 10 लीटर इंजीनियर साहब को मारे, आप शबाशी का जो माना है वो लुगत में उठा के देख लेंगे क्या माना बनता है, आप बताइए ना क्या माना बनता है उनसे। वो कहते हैं पाकिस्तान इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किताब लिखी गई ना, यहाँ क्या माना देखा जाएगा? पाकिस्तान इंडिया भाई उर्दू लुगत में जो है तो फ्रांस की तो किताब नहीं लिखी गई उर्दू की लुगत की किताब, उर्दू की लुगत तो हिंदुस्तान में लिखी गई है ना, ठीक है, तो उर्दू जो उर्दू की जो लुगत की डिक्शनरी है उसके शब्दबाशी का माना बताए ना कि क्या माना यहाँ पे मुराद लिया जा रहा है, जब आपको ना लुगत का पता है ना आपको दीगर अलूम का पता है ना आप मुहद्दिसीन को मानते हैं तो आप हम पे किस चीज पे इतराज करते हैं। दूसरी बात यह कि शब्दबाशी का पहले माना तो मुतयन करें ना कि यहाँ पे ये माना लिया जा रहा है और यहाँ से ये गुस्ताखी है, अजीबो गरीब से मुझे ये बताए हयातुल नबी में शब्दबाशी से आप क्या मुराद देते हैं पहले मुझे बताएं। ये तो इंजीनियर साहब भी आप बताएंगे, उन्होंने बड़ा कहा जी कहते हैं जी बहुत बड़ी बेअदबी है ये, क्या बेअदबी आप पूछे शब्दबाशी से क्या मुराद होती है, मतलब तो लेना पहले उसे, ये तो नहीं है कि जो मर्जी जिसका दिल चाहे जी हाँ ये गुस्ताखी है जी, और लोग भी कहे हाँ हाँ जी ये गुस्ताखी है, अजीब वगरीब सी बात है। अब की उर्दू में 50 साल की पहले की उर्दू में जमीन आसमान का फर्क है, आपको ये मालूम है ना जी, बिल्कुल 50 साल की उर्दू में और 100 साल की पहले उर्दू में जमीन आसमान का फर्क है, वहां की सकीर उर्दू है, फिर जो 100 साल से पहले किताबें लिखी गई है उर्दू की उनकी तो और सकीर जबान है, उनकी तो लुगत ही कुछ और है। आप शब्दबाशी का माना लुगत में उठा के देख ले, अगर गुस्ताखी हुआ गुस्ताखी हुई तो सबसे पहले बंदा मैं होऊंगा जो मैं कहूंगा कि यार ये गुस्ताखी है, और बताएं कौन सी लुगत आप कहते हैं, कोई भी कोई भी हम कोई भी उठा ले, आप लुगत किश्वरी उठा ले या जिसकी भी उठा ले, आप फिरोजन की उठा ले जिसकी भी उठा ले, आप ये कहें कि शब्दबाशी में उसका यही मुराद माना मुराद है दूसरे माने है। अच्छा एक चीज आप फाइनल आपसे पूछ लूँ, ये सारी आपके साथ गुफ्तगू होगी ये इंजीनियर साहब तक पहुंचेगी, बाकी भी हजारों लोग भी देख लेंगे इसको, चलो कंसेप्ट लोगों का क्लियर होगा क्योंकि ये इंजीनियर ये बात ऐसी बात नहीं है, देखिए मैं आपको बात बताऊं, ये बात नहीं होनी चाहिए कि आप इतराज करें जब जवाब देने का टाइम आए तो आप भाग जाए, अच्छा आप अच्छा, मैं इन भी जवाब देने पड़ेंगे, ठीक है ठीक है। ये आपकी बातें इंजीनियर साहब के सारे यानी के जितने लोग उनके उनको फॉलो करते हैं फेसबुक पे आगे पीछे सब देखेंगे ना। अच्छा ये मुझे बताएं कि एक मसला और है, आप जिस तरह की बात करते हैं इससे तो ये बड़ी अजीबो गरीब हैरान कौन बात मिलती है कि जैसे इंजीनियर साहब दुनिया में पहले बंदे हैं जिन्होंने ये अपना अली अजवेरी पे या बायजीद बस्तामी पे या शिबली पे या ये जो इबारात कुफरिया उनके नज़दीक हैं अपना बरेली की या दियोबंद की या सूफिया की तो पहले बंदे हैं, जबकि जो अहल हदीस जो एक मसला क्या बाकायदा आप खुद कह रहे हैं कि इंजीनियर साहब इस मसले में उनके नुमाइंदे बने हुए हैं,
तो फिर आखिर आप ये बात एक्सेप्ट करेंगे ना कि पाकिस्तान इंडिया में कम से कम इस वक्त जो बड़े बड़े जलील कदर मुहदिसीन मुफ्ती मनादिर हैं वो सारे इंजीनियर साहब को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर क्या उनको नहीं पता कि हमारे काबरीन के क्या कायदे हैं? नहीं मुझे बताएं इंजीनियर साहब कौन सपोर्ट कर रहा है, नहीं इस कौन मसले सा में तो एक नहीं, आल... लेकिन इस मसले में तो आपका मौकफ यही है ना कि इंजीनियर आखिर देखे ना, यानी जो मुनाजरा भी हुआ है जैसे वो हुआ था डॉक्टर तालिबुर रहमान शाह साहब का हुआ था और अनीब कुरैशी साहब का हुआ था, तो अहले हदीस का मौकफ यही था ना कि ये बातें कुफरियां हैं, बात तो ये यानी है, इंजीनियर साहब को पहले बंदे तो नहीं ना, तो फिर ये कैसे आप कहते हैं कि अहले हदीस के काबरीन के आप कैसे हवाले पेश करते हैं कि जनाब वो इसके कायल थे? हो सकता है कोई एक ऐसा हो जिसके बात इल्म में नहीं ये बातें ना हो, बाकी नहीं 99% ये ने इल्म में उनकी बातें तस्वीरें की नहीं हों। है, ये इल्म में बातें ही नहीं है। मैं आपको शक ये लिखा सकता हूँ, अगर तो ये साबित हो गया कि नुज़ुल ख़वातिर लिखवाने वाले शमसुल अज़ीम आबादी ही है तो फिर बात तो खत्म होगी ना। अब अगर किसी के मालूमात में ये नहीं बात लेकिन नहीं शमसुल है तो अकदीम आबादी को अहले हदीस के अकेले नुमाइंदे थे ना, अहले हदीस की जो तो अवाम अल्लाह की जो अक्सरियत है, अवाम की नहीं सॉरी अल्लाह उलमा के की, वलियों जो उलमा की देखिए बात अक्सरियत है वो सुनो, किस तरफ है? देखिए मैं आपको ना आज एक असूल भी बता दूं, जी मसलक का तायुन जो होता है ना ये अवाम उन्नास से नहीं होता, नहीं मैं सॉरी अवाम कह मसलक गया, उलमा की मुराद थी मेरी। नहीं उलमा से भी नहीं होता, अच्छा मसलक का तायुन होता है उनके अकाबरीन से, जो जो उनके इंतहाई दाई यानी कि अकाबरीन बुनियादी जो हो। थे जी बुनियादी होते हैं उससे होता है, ये बाद में चेले नहीं चांद मसलन आप होते हैं और मुझे ये सब। अच्छा ये आपने वैसे बड़ा अच्छा नुकता बता दिया, आप अपने तजर्बे की बुनियाद पे ना, क्योंकि आप मुनाजिर हैं, आपका इस पे एक्सपीरियंस है, हम तो सुनी सुनाई पे चल रहे हैं ना, आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है लोगों के आगे जाके बैठने का, आप मुझे ये बताएं कि मुनाजिरे में जाने का और फेस करने का, मुझे सर ये बताएं बरेलवी देवबंदी शिया अहले हदीस इन चारों के नज़दीक आप क्या समझते हैं कि इनकी कौन सी ऐसे शख्सियात हैं जो इन पर हकीकत में हुज्जत हैं? नहीं देखिए बात नहीं ये आप पहले ना, अपना तो बताएं ना, आप पे कौन सी नहीं मैं शख्सियात ऐसी हैं जो हुज्जत हो जाए आप पे? देखिए बात सुने, ये सबको मालूम है कि जी हमारे काबर में जो है आला हजरत है, फिर ठीक है अहमद उनके रजा जो बरेलवी साहब, जी आला ठीक हजरत हो भी गया, है, और फिर उनके जो खुलफा है, ठीक है उनके खुलफा है ये हमारे काबरीन में से है। बस ठीक है, बाद यानी में ये आप पे हुज्जत है, अगर इनकी कोई इबारत पेश हो तो आप पे हुज्जत है। हमारे खुलफा में तो हमारे काबरीन में तो मुफ्ती अहमद या नईमी साहब भी नहीं आते, अशरफ ठीक है सैलवी साहब भी नहीं आते, ये मेरा ये नहीं है। आले सुन्नत का भी जो मसलक है ना, मसलन जो हम सारे अपने आप को अहले हदीस देवबंदी और सुन्नी कहते हैं, आले सुन्नत का भी मसलक है, तो ठीक है अकीदा आले सुन्नत का आज का कोई बंदा नहीं बना सकता। ठीक है ये जो हमारे जो एक अकीदे के इमाम थे, इमाम आजम से लेके इमाम अबू हसन अशरी, इमाम बाकलानी, जो अकाबरीन सेट कर गए हैं, अकीदा वही है आले सुन्नत का। अच्छा मुझे बताएं देवबंद क्यामत के कौन ऐसी शख्सियात हैं आपकी नज़र में जो उन पे हुज्जत है? देवबंद के तो आम है ना, उनको मालूम है, मतलब उनके शाह बरेलवी है, कासिम नानोतवी है, अशरफ इल्तानी साहब है, ये तो उनको खुद मालूम है। अच्छा और जो अहले बड़े बड़े हदीसों के कौन है, भाई वो जरूर अहले बता हदीसों दें कि के, ताकि वो इंजीनियर साहब से भी डिस्कस करें हम। इनको भी ये मालूम है कि इसराइल देलवी है, इनके नजीर नवाब सलीम से खान इस्माइल भोपाली देलवी है, को आप वो जो यहाँ क्यों ला रहे देवबंद हैं, वो तो देवबंद नहीं है। कहाँ से आया अल्लाह के वली, पहले आप देवबंद की तारीख तो पढ़ लेना, देवबंद किस साल में बड़ा और शाह इस्माइल देलवी कब थे। ये फिर हम ये कहेंगे जी अरब चिश्ती रहमत आल बरेलवी थे क्या, बायजीद बुस्तामी साहब क्या बरेलवी थे क्या? पहले आप देवबंद की तारीख पढ़ लें कि अच्छा देवबंद चले कब अहले बना, हदीसों फिर आप उससे के वो बुजुर्ग बताएं ना जो आपके नजदीक इन पर हुज्जत हैं देखिए शाह और वो आपके इस्माइल मुताबिक देलवी, सारे शख्सियात के कायल थे। देखिए शाह इस्माइल देलवी, आप शाह इस्माइल देलवी की किताब इमामत उठा के देख लें, अच्छा वो तो खुद वो कहते हैं जी एक खास हालत आती है तो वो तो इंसान पत्थर घोड़े को भी खुदा समझ बैठता है। अच्छा चले दूसरे पे आ जाएं, और नहीं इसके तो बाद सबको कौन है, मालूम, शाह मुझे इस्माइल के डिफाइन बाद करने कौन की, है? शाह इस्माइल देलवी है, इनके नजीर हुसैन देलवी है, फिर अच्छा इनके शमसुल अज़ीम आबादी है, नवाब सदीक हसन खान भोपाली है, अच्छा नवाब वहीदुज़्ज़मान है। तो नहीं वहीदुज़्ज़मान खान साहब को तो खैर ये ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने भी लिखा है कि हम उनको नहीं मानते, देखिए तो वो जुबैर तकदीर पे ज़ई का, मायल थे और वो सारा जुबैर अली ज़ई का ना मानना ये अहले हदीस का तो हुज्जत नहीं है ना। नहीं। अब अहले हदीस वहीदुज़्ज़मान पाकिस्तान की जो अक्सरियत है वो तो नहीं ना उनको मान रही, वो कहते हैं जी वो एंड पे जो थे किसने वो कहा है, नहीं ये तो किसने कहा मैं है मेरे नज़दीक तो जो आपके आजकल बुजुर्ग? तो नहीं मुत्तफिक बात मुझे समझ मुझे में आ रही बताए, है, अच्छा मुझे बताए, एक रावी जैसे को इंजीनियर साहब को सारे अहले हदीस के उलमा का कहना है जी अहले हदीस नहीं है हम इनको नहीं नहीं बात मानते, सुने ना, या नहीं बात मुफ्ती सुने फाक ना, साहब को भी नहीं मानते वो लोग अपना। अच्छा, मुझे एक बात 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 बताए, एक रावी को 10 मुहद्दिसीन कहते हैं ये सिका है, अच्छा दो कहते हैं जयीफ है, तो आप क्या राय होगी उसके बारे में, सिका है कि जयीफ है? मेरे दस ख्याल में तो कहते हैं यही है सिका कि है, दलाइल देखने पड़ेंगे सारों के। नहीं अच्छा बिल्कुल मुबहम है, एक तरफ सिका के लवाज सीधे इस्तेमाल हुए हैं, दूसरी तरफ खाली जईफ है और कोई मुफसर जरा या मुफसर ताबीर नहीं, फिर तो उसको तो मानना ही आपकी पड़ेगा मेरे ख्याल में। 10 है ना, अच्छा 10 की बात माननी पड़ेगी।
आप जुबैर जई से पहले पहले किसी की भी इबारत दिखा दें कि नवाब वहीदुज़्ज़मान खान हमारा नहीं है। इरशादुल असरी तक सब ने उसको अहले हदीस में लिखा हुआ है। फिर आप बदीउन शाह राजदी और फिर जितने भी तबकाते अहले हदीस के ऊपर और तराजों में अहले हदीस में किताबें हैं, सब ने नवाब वहीदुज़्ज़मान खान को रखा हुआ है अहले हदीसों के अंदर। ये बात गलत है कि जब वक्त पड़े तो फिर आप कहेंगे जी वो फलां भी मेरा फलां भी मेरा, और जो वक्त जब फंस जाते तो कहते नहीं ये मेरा नहीं है। ये देखिये जुबैर जई की क्या काट है कि नहीं, मुझे एक बात बताए ना, आप मुझे एक बात बताए ना, जो इस वक्त जो मौजूदा दौर में जो अहले हदीस उलमा है, देखिए बात सुने, कि उन तक आज ये इबारात पहुंच गई हैं। बात सुने, नहीं पहुंची शायद, आज सारे खिलाफ होते हैं ना, वो सारे कहते हैं जी देखो जी सारे गुमराह सिलसिले हैं, तसव्वुफ है, ये सारा बिदत है, ये है वो है। देखिये मतलब तसव्वुफ को तो किसी ने बिदत नहीं कहा, इब्ने तैमिया तक तो किसी ने नहीं कहा, ना इब्ने कय्यिम ने कहा, आप ये बताएं। नहीं, सिलसिलों को तो बिदत कहते हैं, वो कहते हैं इसका कोई वजूद नहीं है, ये जितने अपना सिलसिले हैं तसव्वुफ के। बात ये है कि खुद इब्ने तैमिया तो काजी सिलसिले में बैठ था, इसका क्या सबूत है आपके पास? वो तो जब बात होगी ना, अब हर चीज में तल्फूज कैसे सबूत होगी, ये सबूत है हर चीज का, जो मैं बात कहूंगा वो प्रूफ होगी। अच्छा फिर जितने भी मुहद्दिसीन है, खुद अलामा ज़ाबी जो है इस वर्दी सिलसिले में बैठ थे, काजी शोकानी साहब नक्शबंदी सिस्टम में बैठ थे। नहीं, फिर आप एक बात फिर आपको क्लियर करनी पड़ेगी मेरे से, क्योंकि लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे ये बात सुन के। आप फिर ये भी साथ बताएं कि इंजीनियर साहब ने जो फिक्र लिया ये कहाँ से ली है? भाई इंजीनियर साहब ने सरकारी में मुसरत उन्होंने कहाँ से ली है? आखिर कहीं कहीं से तो ये बात चली है, इसका मतलब है कि दौर में इख्तलाफ था। कौन सी बिदत के मसले पे? ये नहीं बिदत है, सुफिया की अपने इबारतों को कुफिया कहने के मसले पे या इस पे? देखिए बात सुने, किसी भी बंदे का इनफरादी जो राय है वो तो कभी काबिल कबूल नहीं हुई उम्मत में, कभी भी किसी ने नहीं मानी। अगर जुबैर जई की, अच्छा मुझे बताए जुबैर जई की कितनी इनफरादी बातें हैं जिसका रद्द खुद अहले हदीसों ने लिखा, ये आपको मालूम है? खुद इरशादुल असरी ने रद्द लिखा, किफायतुल असनाबली ने लिखा, दीगर लोगों ने इसके रद्द लिखे जुबैर जई के। तो जुबैर जई तो हमारे नजदीक ऐसा हुज्जत वाला बंदा नहीं है कि जिसकी एक एक बात मानी जाए। नहीं नहीं जुबैर जई की मैं बात नहीं कर रहा, आखिर जुबैर जई साहब भी तो मुहद्दिस थे ना, हदीस उनको अपना बहुत बड़ा मुहद्दिस कर दिया। नहीं नहीं, तो आपका मतलब है कि कदीम दौर में इन बुजुर्गों के खिलाफ भी तो लोग होंगे ना? देखिये मोहम्मद अली भाई, बात इस तरह है ना कि हम बात शख्सियात की नहीं कर रहे, हम बात एक मसलक की कर रहे हैं। ठीक है, मसलक की नुमाइंदगी आजकल बहुत भी बड़ा कोई आज है बरेलवियों से भी, तो वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं मसलक का तर्जुमान हूँ। मैं अहले हदीस और देवबंदी को तो छोड़े, ये खुद देवबंदी अहले हदीस ही मानते हैं कि मसलक की पहचान उनके अकाबरीन से है, उनके अकाबरीन जो लिख गए हैं वही मसलक है। अब आगे पीछे और वही हुज्जत होती है। अवामुन्नास क्या कहते हैं, खुतबा क्या कहते हैं, उनके वली क्या कहते हैं, ये हुज्जत नहीं है। औलिया की बातें दीन में हुज्जत नहीं हो सकती कभी भी। नहीं, कदीम दौर में ऐसे कोई लोग नहीं गुजरे जिन्होंने इन इबारात को कुफ्रिया कहा हो। कदीम दौर में मसलन किसकी बात क्या बात कर रहे हैं? ये बहुत कदीम ना भी हो, किसकी बात बनने से पहले वाले बता दें, पाकिस्तान बनने के बाद वाले बिल्कुल शुरू शुरू के बाद के वालों में बता दें, किसकी इबारत को, किस इबारत को? ये जो अपने सूफिया की जो इबारात पेश की जाती है, बात यह है कि सूफिया या सारे सूफियों को बहुत अल्लाह के कामिल वली मानते थे। बात यह है कि सूफिया की तो सब ने ही तारीफ की है, सूफिया के खिलाफ तो कोई भी नहीं है। क्या जुबैर जई सारे सूफिया के खिलाफ है? किसी के खिलाफ नहीं है। तो जुबैर जई को और जो आजकल के मुताखरीन को जो मसला है वो है वादतुल वजूद से। ठीक है, नहीं जुबैर जई साहब क्या तसव्वुफ के तमाम सिलसिलों के खिलाफ नहीं है? वो वादतुल खास तौर पर वादतुल वजूद के साथ खिलाफ है। अच्छा अच्छा, सोरवर्दी नक्शबंदी और ये जो सिलसिले है, अगर ये कहे बिदत भी है तो ये सलासिल जो है ये तो इस्तिलाह है ना। ठीक है, कि मैं सोरवर्दी हूँ नक्शबंदी हूँ, सबूत भाई। बात ये है, आपने जो का भला दिया वो बड़ी अजीब बात आपने बताई है, मैंने जिंदगी में नहीं सुनी। मैंने अजीब बात नहीं की, वो किताबों में लिखी हुई है, अगर हवाला गलत हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। वो मुस्लिम हम देख लेंगे क्या हदीस है, कोई ढूंढ लेंगे, आप बता देते तो बेहतर क्लियर कर देते। वो आप देख ले, बल्कि मैं कहता हूँ आपको दावत देता हूँ कि आप आसन इस्लाही की किताब जो पूरी है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रहमतुल्लाह अलैह के हालात पे वो पूरी पढ़े। किताब अमीन हसन इस्लाही की, ये अमीन हसन इस्लाही की मनाज़िर हसन गिलानी की, ठीक है? अच्छा वो आप पढ़ लें, आपको सारी वो वाजे हो जाएगा इसके ऊपर। अच्छा तो बात ये थी कि जी अगर कुफर का फतवा या ये बिदत है भी
तो इसके ऊपर तो खुद इब्ने तैमिया ने, खुद काजी से साहब, इस बिदत में कौन सी ऐसी बात है जो दीन के खिलाफ है? हमें दिखे ना, अच्छा हमें एक चीज़ मुझे लफ्ज बताएं, इनके एक बुजुर्ग हैं जो मनाजिर भी थे, जिनका मैंने नाम भी पढ़ा सुना, बल्कि मिर्ज़ा कादियानी के खिलाफ भी उनके सुना है कि मनाजिर वगैरह होते रहे हैं, काजी, उनका क्या नाम था जी, काजी सनाउल्लाह अमृतसरी, हाँ जी, वो उनकी इस बारे में क्या राय थी, शायद उनकी राय इसके खिलाफ हो। काजी सनाउल्लाह अमृतसरी तो सारी उम्र उन्होंने पीर मेहल शाह साहब के साथ गुजारी है। नहीं वो तो चलो मिर्ज़ा पीर कादियानी के मसले में हो सकता है ना, वैसे इनको नहीं, सूफिया को, वैसे भी सूफिया नहीं, जो अब्दुल्ला रोफड़ी है वो क्या लिखता है, आप फतावे आले हदीस में पढ़ लें, वालतुल वजूद के बारे में क्या लिखता है, खुद शमसुल अजीमा, देखिए मैं आपको एक वाकया बता दूं, आप नजीर हुसैन देलवी के हालात में और तराजुमे आले हदीस में आप ये पढ़ लें, ये जो नजीर हुसैन देलवी साहब थे ना, ये इब्न अरबी के बड़े मद्दा थे, वादुल वजूद के कायल थे। नजीर हुसैन दिलवी साहब जी नजीर हुसैन देलवी साहब, हवाला गलत ने पूरी तो जिंदगी जो कर रहे आप कि आखिर में तोबा कर गए। पूरी जिंदगी किबला, मैं जो आगे वाकया सुनाने वाला हूँ वो भी सुने आप। बशीर अहमद सेवसवानी एन जीसो का बहुत बड़ा मुनाजिर, बहुत बड़ा आलिम था, अच्छा उसको ये बात पता चली, वो दिल्ली में उनके घर तशरीफ लेके आए और उनसे मुनाजरा किया। अच्छा अब बशीर अहमद सेवसवानी का उनके घर आना और उनसे मुनाजरा करना, इसका मतलब ये है कि ये एन जीस हो चुके थे, ठीक है और ये वाकया इनके एन जीस होने के बाद का है, ठीक अच्छा है जी। अच्छा, उन्होंने मुनाजरा किया, एक हफ्ता उनका मुनाजरा हुआ, आखिर में बशीर अहमद सरस्वानी नजीर हुसैन देलवी का मौकफ मान के वहां से रवाना हो गए, ये साहिब किताब लिख रहे हैं। फिर उसके कुछ चंद दिनों बाद शमसुलक अजीमाबादी को ये बात मालूम हुई, तो शमसुलक अजीमाबादी साहब ने 10 दिन गुजारे नजीर हुसैन देलवी के घर, अच्छा मुनाजरा हुआ और 10 दिन बाद इब्ने अरबी की शान के मोतरिब वाजतुल वजूद के कायल होके इब्ने नजीर हुसैन देलवी का मौकफ मानकर वहां से गए। अब बताएं, नहीं, आज तो जो हमारे यहाँ जो एक कंसेप्ट मशहूर है लदीस के अवाम में भी मशहूर है, और जो कंसेप्ट यानी कि इंजीनियर साहब का भी है, बल्कि जुबैली जई साहब का भी जो था कंसेप्ट, वो तो ये लगता है कि अगर वहदतुल वजूद का अकीदा जो सूफिया का यानी कि किताबों में लिखा, अगर ये कुफर और शिर्क नहीं है, तो दुनिया में फिर कोई चीज़ ही कुफर और शिर्क नहीं तो है। भाई नजीर हुसैन देलवी को ये पता नहीं चल सका, बशीर सेवसवानी को ये पता नहीं चल सका, शमसुलक अजीमाबादी को ये नहीं पता चल सका, अब्दुल्ला रोपड़ी को नहीं पता चल सका, फतावा आले हदीस में किसी को नहीं पता चल सका, ये कैसी बातें करते। नहीं तो अगर ये आप, अगर ये इनको समझ नहीं आ रही तो फिर आप समझा सकते हैं। तो भाई इनको समझ नहीं आ रही तो मैं तो ठेका नहीं लिया हुआ इनकी समझ का, जब 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 शैतान की समझ में एक असूली बात नहीं आई इतना बड़ा आलिम होके, तो हिदायत देना तो अल्लाह का काम है, हम तो अच्छा किसी को आप इब्ने हिदायत नहीं अरबी दे को हिदायत सकते। पर समझते हैं? नहीं, बात यह है कि तो जब अच्छा ये इतने मुझे बड़े बताएं, ये जो जो इब्ने इतने अरबी जो है, ये तो सबसे बड़े सूफिया के बुजुर्ग हैं ना, बल्कि मुफ्ती बात इसहाक साहब सूफिया फैसलाबाद नहीं वाले भी नहीं उनकी नहीं बड़े बड़ी तारीफ नहीं किया नहीं नहीं, करते थे। नहीं, नहीं, नहीं सूफिया के ये बड़े नहीं है, ये वाजतुल वजूद जो कंसेप्ट निकला वो इब्न अरबी से निकला, ठीक है, इब्न अरबी नहीं से वैसे कबल मुफ्ती वाजतुल साहब साहब थे वजूद। ना जो फैसलाबाद वाले, वो भी इनकी बड़ी तारीफ किया करते थे। इस पे इंजीनियर साहब का और मुफ्ती साहब का बड़ा शदीद इख्तलाफ था, क्योंकि ज़्यादा जुबैली जई साहब का भी और उनका मुफ्ती साहब का भी बड़ा इख्तलाफ था। तो वही मैं ये पूछना आपसे चाहता हूँ कि ये जो अपने हैं, ये जो इब्ने अरबी हैं, ये इब्ने जी, अरबी को इनको तो सुना है, इनके ज़माने में भी बड़े बड़े अहले सुन्नत के आइमा ने भी तो इनकी तकफीर की थी। देखिए उनके जमाने में भी तकफीर हुई, बाद में भी हुई, लेकिन बहुत सारी बड़ी तादाद ऐसी थी जिन्होंने उनके जमाने में भी दिफा किया, उनके बाद भी दिफा किया, और अब भी दिफा कर रहे हैं, ठीक अच्छा है जी। तो बात यह है कि जिन्होंने उनके खिलाफ लिखा उनकी शख्सियात देख लें, और जो उनके हक में है वो भी देखें, तो कम से कम कोई ये तो नहीं कह सकता कि ये ऐसी चीजें हैं। फिर अहले हदीसों में, आप हमारी तो छोड़े आले सुन्नत की बात, अहले हदीसों में नजीर हुसैन देलवी पे क्या फतवा लगेगा, आप बशीर अहमद सेवसवानी पे क्या फतवा लगाएंगे, ये शमसुल्लाह अजीमाबादी पे क्या फतवा अच्छा लगाएंगे, फिर मुझे अब्दुल्ला एक चीज़ रोफड़ी और पे क्या लगाएंगे। बताएं, जिन हजरात का इतने इतने बड़े उलमा का और अहले हदीस के बड़े बड़े जो इमाम गुजरे हैं उनका आप नाम ले रहे हैं, अगर ये हजरात वहदतुल वजूद को भी सही मानते हैं, इब्ने अरबी को भी सही मानते हैं, तो फिर ये तौहीद की, इनकी तौहीद जो है अहले हदीस की, वो कैसे सेट हो सकती है फिर मामले में तो इसमें? वही है, एलएडीसी से पूछ रहे हैं कि क्या मसला है, एलएडीसी तो भाई अच्छा साफ सी इब्ने बात है, तैमिया का आपने कह दिया कि वो इस तरह की कायद रखते थे। इब्ने तैमिया अल्लाह के वलियों, मैंने आपको कहा काजी सिलसिले में है, इब्ने कय्यम ने तसव्वुफ को साबित करने के लिए और इन तमाम औलिया की तारीफ लिखने के लिए मदारुज सालिकीन नामी किताब लिखी जो 2 जिल्दों में छपी हुई है, अच्छा मुझे आपको एक चीज़ पढ़े तो बताएं, सही ना, अगर कोई अहले आप हदीस का कोई इंजीनियर साहब को, मुस्तनद मुहदीस हो, वो आपके साथ बैठना चाहे, तो आप बैठने पे तैयार हैं? हमें कोई इतराज नहीं है, इल्मी बात करते हुए हमें कोई इतराज नहीं है, हम किसी को ना लान तान करते हैं ना कोई बात करते हैं, इल्मी बात इल्मी हैसियत से होनी चाहिए, नरम लहजे में होनी चाहिए और इल्मी अंदाज,
जाहिल बंदे से बैठना तो मैं हमेशा दूर समझता हूँ। एक तो ये कि जाहिल बंदे से बहस ना करें, और इससे भी बड़ी बात यह है जो पढ़ा लिखा जाहिल हो उससे तो 10 फुट आप दूर ही रहें। आपको मैं एक चैलेंज देता हूँ, आप ये कहें इंजीनियर साहब को कि आप इब्ने कय्यम की अच्छा किताब रूह को तर्जुमा भी है, आप बेशक वो पढ़ लें आप, अच्छा और इब्ने कय्यम की मदारिजुस सालिकीन का पूरे महीने हमें दर्स दे, चले दर्शन वो आपको पढ़ा दे, जितने भी शागिर्द या नेट पे बैठे होते हैं वो पढ़ा दे, पानी के पानी दूध का दूध हो जाएगा, पीछे क्या रह गया। ना मेरी बहस करने की जरूरत है, ना तो खाम इब्ने मखा कय्यम वो कहेंगे ना, आप इब्ने कय्यम को मैं क्यों पढ़ाऊँ, ये मैं कुरान हदीस क्यों ना पढ़ाऊँ। भाई, कम से कम ये तो मानते हैं ना कि इब्ने तैमिया और इब्ने कय्यम जो है ये तौहीद के आलमबरदार थे, या वो भी बरेलवियों के साथ मुतासर थे, वो ये कौन सी बात नहीं हुई। इब्ने तैमिया के मामले में तो